आपने सार्थक प्रयास के बारे में यहाँ पर जो देखा सुना उसका एक पक्ष मेरे अपने बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव में है और वो उमेश भाई के बारे में है। अभी तक आपने ये सुना कि सुशील जी ने कहा कि पेट काट के भी अपना पेट काट के भी दूसरों का पेट भरते हैं। एक बात उमेश भाई के बारे में मैं आग्रह करके कहने के लिए आया हूँ यहाँ पे। कोरोना के दौरान हमने देखा सब आसपास क्या आपदा मची थी, तो हमने एक छोटी सी कोशिश शुरू की चौखुटिया के अस्पताल के लिए कुछ संसाधन इकट्ठा करने की। उससे पहले मेरा उमेश जी से ज्यादा परिचय नहीं था, तो एक दिन मेरे पास रात को फोन आया 10 बजे, अरे कांटवाल जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं कुछ करूं क्या? तो थोड़ा ऐसी व्यवस्था थी कि हम पैसे नहीं ले रहे थे, बहुत सारा सामान घर में इकट्ठा हो गया था, वो भिजवाना था। मैंने उमेश भाई को मना कर दिया। इन भाई साहब ने लगातार पीछा किया हमारा, नहीं नहीं आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। तो हमने वहां पे सैनिटाइजर भिजवाए, तो डॉक्टर ने कहा कि सारे सैनिटाइजर क्यों भिजवा रहे हैं, वो एक बार निकालते हैं और हाथ धो लेते हैं उससे, वो सैनिटाइजर की एक बोतल एक बार में खत्म हो जाती थी। तो हमने साबुन भिजवाए, एंटीसेप्टिक सोप्स। उमेश भाई ने एक रात हमारे अकाउंट में 10,000 उठा, बोला आपको जो करना है करो। मैं उस दिन यही सोचता रहा, मैंने कहा कि इनके सामने मैं स्वयं को कितना बौना महसूस करता हूं कि